करना। पर्पल के विशेष इंटरव्यू में सबसे पहले मैं हमारे दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ, और वहीं आज हमारे साथ रमेश गोयल की, उनका क्या कहना है और लोगों को, जो लोग वेस्ट जल करते हैं किस तरह से जल का बचाव करना चाहिए, तो चलिए आज उनसे जानते हैं वे अपनी क्या राय देते हैं आम जन के लिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं जल स्टार रमेश गोयल 2008 से जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा हूँ। जल चालीसा की मेरी जो प्रतियाँ हैं 60,000 से ज़्यादा छप चुकी हैं और 10,00,000 से ज़्यादा लोगों को सोशल मीडिया पे पहुँचाई जा चुकी हैं। लगभग 1 करोड़ लोगों को अब तक मैं मीडिया और प्रत्यक्ष रूप से जागरूक करने का प्रयास कर चुका हूँ। वास्तव में अभी हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में जो सरकारी भूमि पटे पर लेकर लोग धान की खेती करते थे उस पर पाबंदी लगा दी, यानी अब वो सरकारी ज़मीन पर धान की खेती नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे कारण है कि धान, गन्ना और तंबाकू 3 ऐसे पदार्थ हैं जिनकी खेती में बहुत अधिक पानी चाहिए और जो वर्षा जल है वो कम उपलब्ध होता है, तो भूजल दोहन किया जाता है और भूजल दोहन इतना बढ़ गया कि अधिकांश जल ब्लॉक डार्क जोन में चले गए। डार्क जोन यानी खतरनाक स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने ये कदम उठाया है, तो मैं हरियाणा सरकार को इसके लिए बधाई देता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि जो बाकी क्षेत्र हैं उसमें भी इस प्रकार के निर्णय करें। लेकिन इसके साथ ही एक और अनुरोध करता हूँ कि केवल इन पाबंदियों से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो इसका उपाय है वर्षा जल संग्रहण, उस पर अधिक से अधिक ध्यान दें, उसकी अधिक से अधिक यूनिट लगवाएं, लोगों को नियमानुसार जो लगाने चाहिए और नहीं लगा रहे हैं उनको सख्ती से कार्रवाई करें, ताकि वर्षा जल संग्रहण जब होगा तो हमारे ये जो डार्क जोन में जाते हुए जल ब्लॉक हैं ये रुकेंगे, पानी का भूजल का जो स्तर गिरता जा रहा है वो रुकेगा। बल्कि यदि हम पूरे निपुणता के साथ ध्यान से इस बात काम को शुरू कर दें तो वो स्तर बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। अब से लगभग 50 साल पहले जो 25-30 फुट पर पानी था वो आज 250 से 400 फुट तक नीचे चला गया, और ये केवल इसलिए है कि प्रदूषण के कारण तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और जलवायु परिवर्तन के कारण या तो अधिक वर्षा होती है या कम वर्षा होती है। जब अधिक वर्षा होती है तो बाढ़ आती है जो विनाश करती हुई आगे बढ़ जाती है, वो पानी किसी काम नहीं आता, और जब कम वर्षा होती है तो भूजल दोहन होता है, चाहे वो खेत खलिहान के लिए हो, पीने के पानी की सप्लाई के लिए हो, सब के लिए भूजल का दोहन किया जाता है, वो इतना अधिक हो गया कि उसका स्तर नीचे जाता जा रहा है। उसे रोकने के लिए सरकार को जो प्रयास करने चाहिए वो सही दिशा में नहीं हो रहे हैं। कागजी कार्रवाई में बहुत कुछ होता है लेकिन प्रैक्टिकल उतना नहीं है जितना होना चाहिए, और यदि वो नहीं होंगे तो ये स्थिति आएगी। ये जो बात चलती है कि पानी के नाम पर तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जाएगा, उसके पीछे ये लॉजिक है। जो लोग सार्वजनिक नल पर पानी भरते हुए यदि लोगों को देखें हम, मैं आज से 50 साल पहले भी मैंने देखा है और आज भी वही स्थिति है कि वहाँ पानी अधिक लेने के नाम पर लड़ाई हो जाती है। वो पानी की जो लड़ाई गली मोहल्ले वाली प्रांतों में है, हरियाणा पंजाब की है, हरियाणा दिल्ली की है, पंजाब राजस्थान की है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की है, इस तरह से, और पाकिस्तान के साथ भारत का जल बंटवारा भी एक समस्या है जो और विषय है उनके साथ। ऐसी स्थिति दुनिया के अनेक देशों में है, और उसी कारण से जो हमारे जो जल वैज्ञानिक हैं वो पानी की इस प्रकार से होती कमी के कारण ही ये कहते हैं कि यदि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी के नाम पर लड़ा जाएगा। कारण जनसंख्या बढ़ रही है,
आधुनिकरण के नाम पर, विकास के नाम पर पानी की खपत बढ़ती जा रही है और जो सोर्स हैं, जो पानी की उपलब्धता है, वो घटती जा रही है। तो दोनों का अंतर इतना बढ़ता जा रहा है कि एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि पानी मिल नहीं पाएगा। एक छोटा सा उदाहरण, 2015 में मुझे श्रीलंका जाने का अवसर मिला। श्रीलंका जो पानी के बीच में है, जिसके चारों ओर पानी है, लेकिन वहाँ पानी की एक लीटर बोतल की कीमत वहाँ की मुद्रा में 220 रुपये थी, भारतीय मुद्रा में वो 100 रुपया बनती थी, जबकि हमारे यहाँ 15 रुपये में पानी की बोतल मिल रही थी। तो देखिए, जो पानी के बीच में है वहाँ पानी की ये स्थिति है। तो लोगों को ये गलतफहमी ना रहे कि समुद्र भरे पड़े हैं और पानी की कमी हो नहीं सकती। ये जो टूटी होते ही पानी मिलता है, ये सरकार की मजबूरी है, इसीलिए वो भूजल दोहन करके भी पानी सप्लाई करती है। ये बिना इस बात की चिंता किए कि आने वाले भविष्य में क्या स्थिति होगी और पानी की कितनी भयावह स्थिति हो जाएगी। इसलिए हम सब लोग भी इसमें अपना योगदान दें। ये जो कमी हो रही है, ये कारण इसका मूल में हम ही हैं, क्योंकि हम पानी बर्बाद बहुत करते हैं। तो यदि हम पानी को बचाना शुरू कर दें, बर्बाद ना करें, अपनी ज़रूरत पूरी करें, लेकिन जो बेकार पानी टूटियों में बहता रहता है, पाइपों में बहता रहता है, वो ना हो, उस पर हम यदि अंकुश लगा पाएँ। जैसे हाथ धोते हुए जब साबुन लगा रहे हैं, पानी चलता रहता है, टूटी हम बंद कर दें तो वो पानी के नाले में बह गया, वो नहीं बहेगा। टेस्ट करते हुए, नहाते हुए, कूलर में पाइप लगाते हुए, ऐसे अनेक छोटी छोटी सी बातें हैं। हम केवल इतना ध्यान करें कि पानी जहाँ ज़रूरत है पानी का प्रयोग करें। सीधा सीधा पानी जो बिना प्रयोग के नाले में बह गया, वो हमने बर्बाद कर दिया। यदि हम वही बचाना शुरू कर दें तो एक दिन में एक शहर में लाखों लीटर पानी बच जाएगा। तो छोटी छोटी बातों का हम ध्यान करें और पानी बर्बाद करने की बजाय उसे सहेज के रखें। और साथ ही जब वर्षा होती है तो हम यदि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं भी लगा पाते, तभी हम इतना करें, अपने छत पे कुछ बर्तन रख दें, उस बर्तनों में जितना पानी इकट्ठा हो जाएगा, जो समझो कि आपने उतना पानी एकत्रित कर लिया, कमा लिया, उसको आप सफाई में काम लें, किसी और काम में लें। तो इस तरह से भी हम पानी की एक उत्पादन कर सकते हैं, अन्यथा कहीं से मिल या फैक्ट्री में पानी नहीं बनाया जा सकता। कहीं ना कहीं वर्षा जल को सहेज कर भी हम पानी को बढ़ा सकते हैं। तो ये सब करें। मेरा जनता से निवेदन है कि वो पानी को उपयोग में लाए, दुरुपयोग ना करें, उसे बर्बाद ना करें, बेकार ना करें। और सरकार से अनुरोध है कि वर्षा जल संग्रहण के अधिक से अधिक यूनिट पूरे हरियाणा में, पूरे देश में लगें, ताकि पानी की जो भयावह स्थिति होती जा रही है वो रुक पाए। जय हिंद, जय भारत। सर, जैसे कि साग की खेती की जाती है कोई, तो उसमें क्या पानी का उपयोग नहीं, तो क्या वो खेती तैयार हो चुकी है उसके बारे में? ये जो खेती में मैंने बताया शुरू में कि बहुत पानी लगता है, अभी एक नई टेक्निक आई है, यदि धान की खेती उस टेक्निक के साथ की जाए तो उसमें पानी की खपत कम होती है, ज़रूरत कम होती है। तो यदि हम जो लोग भी, जो किसान भाई धान की खेती करते भी हैं, कहीं भी करते हो, हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश में जहाँ कहीं भी करते हैं, यदि वो उस तकनीक के साथ करेंगे तो उसमें पानी की बहुत खपत कम होती है। और इस प्रकार से जो अधिक पानी की खपत उसमें होती है वो कम हो जाएगी और उससे पानी की बहुत बचत होगी। सर, जैसे कि गर्मी आ गई, गर्मी में पानी ज़्यादा लगता है, तो किस तरह से पानी का बचाव करना चाहिए, किस तरह से उपयोग करना चाहिए, गर्मी के अंदर कितनी लागत होती है पानी? सर्दी के मुकाबले में गर्मी में पानी की खपत लगभग 5-6 गुना बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में खपत बढ़ती है, लेकिन पानी की सप्लाई कहीं से नहीं होती। वर्षा जल, जैसे मैंने अभी बताया, संग्रहण नहीं किया जा रहा, तो वो जो वर्षा होती है वो पानी शिविर में चला जाता है। यदि हम वर्षा जल संग्रहण के यूनिट लगाएंगे
तो इतना ही नहीं कि वो साफ पानी हमारा जो है भूजल स्तर बढ़ेगा, बल्कि उससे अनेक और लाभ भी होंगे। जैसे जो सीवरेज ओवरफ्लो होते हैं वो नहीं होंगे, जो सड़क पे पानी खड़ा रहता है वो नहीं खड़ा रहेगा तो सड़कें नहीं टूटेंगी, जो गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है उससे जो सब्जियां जो खेती होती है उसकी बजाय उसकी जगह साफ पानी अधिक मिलने लगेगा। इस तरह से उसके अनेक लाभ और भी होंगे, और हम उस पानी को सहेजना शुरू करें तभी उसका लाभ मिलेगा। सर मेरा आपसे एक और अहम सवाल है, जैसे कि पहले की जनरेशन में लोग इतना बीमार नहीं होते थे, लेकिन अब पानी उबाल के भी पिया जाता है, डॉक्टर राय देते हैं कि पानी उबाल के पीजिए, आरओ का भी सिस्टम आजकल नई तकनीक है कि आरओ भी लगाए जाते हैं, फिर भी लोग पानी भी उबाल के पी रहे हैं, फिर भी लोग पेट में दर्द, पानी के अंदर कमी है या जनरेशन का, इस पर आप क्या मानते हैं? पानी की क्वालिटी अलग अलग जगह अलग अलग स्तर की है, कहीं मीठा पानी है, कहीं खारा पानी है, कहीं उसमें जो खनिज हैं कम हैं, कहीं ज़्यादा हैं, वो अलग अलग क्षेत्र के अनुसार है। पानी उबाल के पीना चाहिए का मतलब केवल ये है कि हम जो आरओ लगाते हैं वो आरओ कुछ लोगों के मुताबिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, लेकिन जल की खपत के रूप में मैं देखूं तो वो बहुत बड़ी विडंबना है कि उसमें जितना पानी साफ होता है उससे 4-5 गुना पानी वेस्ट हो जाता है, नाले में बह जाता है। कुछ लोग उसे जो वेस्ट वाटर है उसको काम में ले लेते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे वो काम में इतना ले भी नहीं पाते यदि चाहें भी। जैसे मेरे घर में मैंने एक बड़ी बाल्टी लगाई हुई है और वो वेस्ट वाटर की जो पाइप है उसमें होती है, लेकिन जब वो बाल्टी भर गई और मुझे मान लो पानी और चाहिए तो वो पानी बेकार जाएगा। इस तरह से उस पानी का सही उपयोग नहीं हो सकता। तो आरओ अपने आप में एक विवादित विषय है और बहुत लंबा विषय है कि उसे हम प्रयोग करें ना करें, लेकिन जब करते हैं तो वो पानी के दृष्टि से, जल की बर्बादी की दृष्टि से एक बहुत बड़ा अवसाद है, बहुत बड़ा कारण है पानी को बर्बाद करने का। सर जैसे कि जो लोग पानी को व्यर्थ बनाते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज? जैसे हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए, भावी पीढ़ी के लिए धन एकत्रित कर लेते हैं, उनकी सुविधाएं जुटाने में लगे रहते हैं, लेकिन यदि हम नहीं सचेत हुए और ध्यान नहीं दिया, पानी इसी प्रकार से बर्बाद करते रहे तो वो पैसे लिए बैठे रहेंगे, पानी पीने को नहीं मिलेगा। इस समय जो लगभग 20 रुपये लीटर की पानी की बोतल मिलती है वो हो सकता है कि अगले 5-7 साल के बाद सैकड़ों रुपए में मिलने लगे, और 2030 के बाद ये स्थिति और भयावह होने वाली है, और 2050 में तो पानी शायद 5000 रुपये लीटर भी ना मिले यदि यही स्थिति हो, यदि इसमें सुधार नहीं हुआ। ऐसी स्थिति ना आए इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें और पानी की बूंद बूंद बचाएं। बूंद बूंद से घट बढ़ता है, बूंद बूंद से बनता सागर, ये बात ध्यान में रखें और पानी की एक बूंद भी बर्बाद ना करने का संकल्प। तो इसी तरह हम भी आपसे अपील करते हैं कि जल है वो ही जीवन है, जल को व्यर्थ मत बहाओ। अगर आप जल को अब से बचाव करेंगे तो अगली पीढ़ी में आप लोगों को ही फ़ायदा है। इसी तरह आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।